Am I audible, guys? लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग एल्डिहाइड कीटोन्स। एक बार गो थ्रू कर लो बेटा लास्ट लेक्चर नोट्स एवरीवन। चलो सो लास्ट लेक्चर हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स कर रहे थे, HIO4 से प्रिपरेशन कर लिया था। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड लिखेगा बेटा, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में लिखेगा पिनाकोल रीअरेंजमेंट। पिनाकोल रीअरेंजमेंट ये हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में भी किया हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका डिस्कशन वापस करेंगे। इसको पिनाकोल रीअरेंजमेंट या फिर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। एग्जांपल देखो, ट्रेडिशनली इस कंपाउंड को पिनाकोल बुलाया जाता है। ये ग्लाइकोल है, इसको जब ट्रीट कराते हैं H2SO4 एसिड से तो आपका कीटोन मिलता है। इसको पिनाकोलोन बोलते हैं, और ये जो रीअरेंजमेंट यहां पर मिला या हुआ उसको बोलते हैं पिनाकोल रीअरेंजमेंट या फिर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसको कॉपी कर लो और एक नोट लिखो बेटा। नोट लिखिएगा, व्हेन विसिनल डायोल ब्रैकेट में लिख देना ग्लाइकॉल, व्हेन विसिनल डायोल इन द ब्रैकेट में राइट ग्लाइकॉल इज ट्रीटेड विद एसिड It is rearranged to aldehyde or ketone. This rearrangement is called pinacol rearrangement. चल अब इसमें मैकेनिज्म लिखिएगा बेटा। देखो बहुत सिंपल तरीके से आपको सोचना है, H2SO4 जब भी कहीं पर दिया होता है रिएक्शन में तो हम लोग एक ही चीज बोलते हैं क्या कि H2SO4 इज अ प्रोटॉन डोनर। उसका काम क्या है? प्रोटॉन देने का है। तो इसका मतलब है आपके पास जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके पास कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए, आटम होना चाहिए जो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर पाए। तो यू कैन सी OH यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो पूरी मैकेनिज्म एक्चुअली इसमें दो मेन पार्ट है, एक कि पहले जो है इस पे दो OH में से किसी एक OH का प्रोटोनेशन होगा तो वो प्रोटॉन जब एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, फिर कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बनने के बाद उसमें रीअरेंजमेंट होगा, वो शिफ्टिंग होगी, उसके बाद जाकर ये कीटोन मिलेगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है बेटा, इन दोनों में से हम किसी को प्रोटोनेट करते हैं तो ये हो जाएगा CH3OH CH3OH प्लस
ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आपका बिकॉज ऑक्सीजन के नॉट होल्ड पॉजिटिव चार्ज, इस H2O को बाहर कर दो, CH3 CH3 OH, देन CH3 CH3 एंड प्लस ये। जो क्वेश्चन यहां पर आप देखोगे आपके माइंड में आना चाहिए वो ये कि यहां पर तो दोनों कार्बन आइडेंटिकल है जिनके साथ OH लगा हुआ है, राइट। लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं होते देन हाउ टू बी डिसाइड, तो उसका आंसर यहां पर छिपा हुआ है कि ये जो कार्बोकैटायन मिल रहा है ये कार्बोकैटायन स्टेबल मिलना चाहिए। तो फिर जो दो पॉसिबल कार्बन है वो कार्बन जो कार्बोकैटायन अच्छा देगा वहां पर उसके OH का प्रोटोनेशन करेंगे। लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, C6H5 कार्बन OH, CH3 CH3 OH, तो कोई भी इसमें देखकर बता सकता है कि ये जो केस है इसमें ये जो कार्बन है अगर इसके ऊपर प्लस आएगा ये OH हटा करके, तो आपको दो बेंजीन का रेजोनेंस मिलेगा। जबकि अगर तुमने ये वाला OH हटाया होता तो CH3 प्लस आई से स्टेबलाइज करेगा, जो है हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करेगा और रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और यहाँ दो दो बेंजीन का रेजोनेंस मिल रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाना होगा, कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। वहां तक अगर पूरा अगर प्रोसेस एक साथ हम लिख दें तो कार्बोकैटायन ये वाला आपको पहला बनाना है। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे बताओ। इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि देखो ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, टर्शरी कार्बोकैटायन है तो टर्शरी कार्बोकैटायन अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो आइडियली यहाँ पर प्रोसेस जो है रुक जाना चाहिए या इसके आगे बस यही कुछ वापस अटैक होना चाहिए। लेकिन अगर तुम इस प्रोडक्ट को देखोगे, फैक्ट को देखोगे, तो फैक्ट में हुआ क्या है, एक ग्रुप माइग्रेट किया है, एक ग्रुप माइग्रेट किया है। तो क्यों माइग्रेट कर रहे हैं आप, तो माइग्रेशन का जो रीजन है वो है बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। कई बार मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर कभी भी आपको बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस मिलता है तो वो रेजोनेंस बड़ा स्पेशल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। यानी कि जो कार्बोकेटायन है या जो कार्बन है हैविंग पॉजिटिव चार्ज, वो किसके पास रहना चाहता है, ऐसे आटम के पास जिसका जो नेबर है वो आटम ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो, तो इसको बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस कहते हैं। वो टर्शरी से बेंजाइल से कहीं ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, 1,2-मिथाइल शिफ्ट अगर हो गया, मिथाइल शिफ्ट अगर हो गया तो ये मिथाइल आप इधर डाल दोगे, ये खुश हो गया, इसको स्टेबलाइज करा दिया हमने, इस कार्बन पे अब प्लस आएगा। अब इस कार्बन पे जब प्लस आया तो उसको कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके बगल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू उसको स्टेबलाइज करेगा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। और बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज करेगा तो इसका मतलब है आपका इसके बाद ऑक्सीजन जैसे ही आप ये बनाएंगे O पे प्लस आएगा और फिर इस H+ को आप बाहर कर दो, तो आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो देखो आपके सामने आ गया। ठीक है, अब यहां पर जब आप एक और चीज आएगी क्वेश्चन आपके माइंड में दोबारा आना चाहिए कि हम लोगों ने यहाँ 1,2-मिथाइल शिफ्ट दिखा दिया, लेकिन मान लो ऐसा कोई केस होता जहां पर, बिकॉज यहां पर तो दोनों मिथाइल है, अब यहां पर अगर कोई दूसरा ग्रुप होता, अलग अलग ग्रुप होते, डिफरेंट ग्रुप्स होते, तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करा, तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया C6H5 CH3 OH OH CH3 C6H5। ठीक, तो पहले स्टेज पहला जो प्रोसेस होगा प्रोटोनेशन वो तो आसान है यहाँ पर, क्योंकि दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, यानी कि आप इतने तक तो आराम से बना दोगे, इतने तक में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज कुछ है ही नहीं इसमें।
आइडेंटिकल टाइप के ओएच है तो किसी को भी प्रोटोनेट कर दो। लेकिन इसकी बाद का जो स्टेप है उसमें क्या माइग्रेशन है। तो अब आपके पास दो चॉइसेस आ गए, आप फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करा सकते हो या मिथाइल। तो फिर क्या पिक्चर में आएगा कॉन्सेप्ट बताओ। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, एच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे अच्छा होता है यहाँ, है नहीं वो, देन फिनाइल या एराइल लिख सकते हो। फिनाइल में आप लोग एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो अगर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बेटर होगा वहां पर। देन 3 डिग्री एल्काइल, देन 2 डिग्री एल्काइल, देन 1 डिग्री एल्काइल एंड देन मिथाइल, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। तो यहां पर माइग्रेशन पक्का हो गया C6H5 का, ठीक है, C6H5 का माइग्रेशन कराया। तो यहां लिखेंगे 1,2 फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। तो ये हो जाएगा CH3C+OH CH3C6H5C6H5। उसके बाद ये जब ऑक्सीजन अपना लोन कर देगा तो यहीं से आपको कीटोन मिल जाएगा। आपको मैं यहाँ पर कीटोन लिख देता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड हो CH6H5 CH6H5 CH3, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, आपको केवल इतना ध्यान रखना था कि पहले कार्बोकैटायन कहाँ पर बनाए। उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा गया कि कार्बोकैटायन वहीं पर पहला बनता है जो दो में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन दे। उसके बाद रीअरेंजमेंट तो मस्त है, जैसे यहां पर भी आप देखो कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C6H5 C C6H5 CH3 C+OH CH3, ठीक। फिर इसके बाद जब आप इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर को इस तरह से आप दिखाओगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये हो जाएगा। खास बात आप देखो कि ये रिएक्टेंट लिया तो ऐसा प्रोडक्ट मिला, ये रिएक्टेंट लिया तो ये प्रोडक्ट मिला, और दोनों प्रोडक्ट सेम है। ध्यान से देख लो पहले इसको, देखो एक ही कार्बन पे दो फिनाइल और एक मिथाइल है, इधर भी देखो एक ही कार्बन पे दो फिनाइल और एक मिथाइल है, फिर COCH3। तो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है दो अलग अलग रिएक्टेंट से। पूरी रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, सबसे पहली चीज है कैसे पता करें कि कौन से OH को प्रोटोनेट करना है। तो उसका आंसर क्या निकला बेटा, दैट कार्बन दैट OH विल बी प्रोटोनेटेड, जिसके बाद इफ यू रिमूव दैट H2O तो कार्बोकेटायन आपको मोर स्टेबल वाला मिलना चाहिए। उसके बाद दूसरे स्टेज पे कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, अगर आइडेंटिकल है तो प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट हो गया तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिसाइड्स आंसर, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो, इफ हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। Somebody is asking for first line. ये बेटा इतना सा, ठीक है। पीना पॉल शुरू किया था हमने और ऑलरेडी मैंने ये रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पढ़ाया हुआ है, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा इसको कर रहे हैं। ये आपको मेन मैकेनिज्म कॉपी कर रहा है।
दो मेन पॉइंट्स है बेटा, उनपे फोकस रहना और उसको लिख भी लेना। पहला पॉइंट क्या है, हाउ डू वी डिसाइड दैट विच ओएच ग्रुप विल बी प्रोटोनेटेड। एक तो ये क्वेश्चन रेज करना अपने पेपर नोट्स में और फिर उसका आंसर लिख देना कि कौन सा ओएच प्रोटोनेट होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन एराइज कब होगा, जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है तो माइग्रेशन जब होगा तो आप वहां पर लिखेंगे विच ग्रुप विल बी माइग्रेटेड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लिख लेना है कि वो ओएच को प्रोटोनेट करना है जिसके रिमूवल पे आपको क्या मिले बेटा, बेटर कार्बोकैटायन। फिर दूसरे वाले के लिए आंसर क्या लिखना है कि दैट ग्रुप विल बी माइग्रेटेड, द ग्रुप विल बी माइग्रेटेड एज पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये दो क्वेश्चन रेज करने हैं अपने नोट्स में और दोनों के आंसर लिख लेने हैं। लेट मी नो इफ यू हैव कॉपी बेटा। Did I remove that? चल
इसको कॉपी कर लो। चल इसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं बेटा। देखो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देता हूं मैं क्वेश्चन, एक एक करके चार पांच क्वेश्चंस करेंगे। देखो आंसर निकालो बेटा, आ रहा है क्या आपको? इफ यू वांट टू कम्युनिकेट बेटा यूज योर माइक, बिकॉज मैं उसी पर डिपेंडेंट हूं।
देखो डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन का बड़ा। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको सोचनी है वो क्या है, पहले तो ये पिना बॉल रीअरेंजमेंट है और एक ओएच का प्रोटोनेशन प्रोटोनेट करना, एक ओएच को आप दो ओएच में से कौन सा ओएच प्रोटोनेट करेंगे, ये बात क्यों, क्योंकि यहां पर जो आपको टर्शरी कार्बोकैटायन मिलेगा दैट विल बी मोर स्टेबल। आप देखो हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर ज्यादा मिल रहा है आपको, तो प्रोटोनेशन यहां पर हो गया। प्रोटोनेशन के बाद इस कार्बन पे आपको प्लस लाना ही लाना है कुछ भी हो जाए। तो अब आप क्या करोगे, यहां से एक ग्रुप माइग्रेट कराओगे, ग्रुप आपके ऑप्शंस क्या क्या है, तो ये वाला बॉन्ड पेयर या फिर ये दोनों आइडेंटिकल है तो कोई भी माइग्रेट कराओ। तो यहां पर कोई ऐसा फ्री ग्रुप नहीं है, यहां बॉन्ड माइग्रेट करा बॉन्ड पेयर, तो वो होगा क्या, आप रिंग एक्सपैंड कर रहे हैं एक्चुअली में, तो ये माइग्रेशन जो हुआ वो रिंग एक्सपेंशन वाला हो गया। और मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि कोशिश करना कि डिजाइन चेंज नहीं हो, डिजाइन चेंज नहीं होगी तो आंसर गलत नहीं होगा आपका, यहां का प्लस हट जाएगा और इस तरह से आपका आगे फिर यहीं पर डबल बॉन्ड वो बना देंगे एंड में। और ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखोगे तो नाउ इट्स फाइव मेंबर रिंग, द फाइव मेंबर रिंग विल लुक लाइक दिस, यहां पर थ्री डबल बॉन्ड बना दो और दो मिथाइल यहां लगा दो, ये आंसर है। चेक करो ऑप्शन में यही लिखा होगा आपको, तो आपको ये टिक कर देना है उसमें, ठीक है। सर यस बेटा, सर आपने वो सेकंड वाला कार्बन प्रोटोनेट करने के लिए इसलिए चूज किया ना कि फोर मेंबर रिंग अनस्टेबल रहती। नहीं केवल ऐसे नहीं है, वो तो वहां भी हो सकता था, हाइपर कॉन्जुगेशन आपको ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। सर तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे ना। ठीक है सर। ट्वेल्थ बीस ऑप्शन में रहता तो वो क्या बेटा, ये जो अभी आंसर आया ना ये कीटो फॉर्म है, तो अगर कीटो इनॉल्ट ऑटोमेरिज्म की बात कर रहे हो? देखो तुम्हारा माइक ठीक से और वर्क लास्ट वाला ऑप्शन होता नन ऑफ दिस, तो इनॉल फॉर्म सिलेक्ट करते क्या? नहीं, सुनो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म यहाँ इसलिए नहीं, हम कीटो फॉर्म को ही ज्यादा हाँ स्टेबल सर, करते हैं बिकॉज या कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में इनॉल फॉर्म तब हम पिक्चर में लेंगे
जब दो सीओ ऐसे आपस में एट द सेम पोजीशन में रिंग में होते हैं तब उसमें एनॉल फॉर्म स्टेबल होता है, उसको डाइपोल डाइपोल रिपल्शन बोला जाता है, वो इस फॉर्म में ऐसा एग्जिस्ट करने लगता है। ठीक, यहां पर ऐसा केस नहीं है, यहां पर यही कीटो फॉर्म है जिसको आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलो हटा देते हैं इसको, मेरे ख्याल से सबने कॉपी कर लिया होगा। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन अभी देने मुझे आपको। चलो इसके बारे में सोचो बेटा, दो ही चीजें हैं इसमें, एक प्रोटोनेशन, कौन से ओएच प्रोटोनेशन करना है या आपको डिसाइड करना है, फिर माइग्रेशन। चल डिस्कशन कर लेते हैं। देखो आइडेंटिकल ओएच है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी प्रोटोनेट करा दो यहाँ पर, केवल आपको कार्बोकैटायन बना लेना है। मान लीजिए कि आप यहां तक पहुंच गए, यहां तक आप पहुंच गए, उसके बाद क्या करना है, अगर आप देखोगे तो सारे के सारे इसे एक कार्बन से आपको एक ग्रुप इधर माइग्रेट कराना ही है, बिकॉज प्लस को आप ओएच के नजदीक लाओगे। ठीक है, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस कराने के लिए ऑप्शंस क्या क्या है, आप ये ग्रुप माइग्रेट करा सकते हो या फिर ये, और दोनों आइडेंटिकल किसी को भी करा दो।
अब क्वेश्चन ये भी एराइज होता है कि आप सिक्स मेंबर रिंग पे बैठे हो और सिक्स मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, आप माइग्रेट कराकर इसको रिंग एक्सपेंड कैसे करा सकते हो, सेवन मेंबर हो जाएगा। उन सब का एक ही आंसर है क्या, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। तो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा बड़ा, ये सिक्स मेंबर ही रहेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा वन टू और ये यहाँ जुड़ जाएगा थ्री फोर फाइव सिक्स और इधर सेवन और यहाँ ओ एच और प्लस आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अपने को मालूम है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बड़ा इसमें। सर यस बड़ा सर, वो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इपॉक्साइड रिंग नहीं बन सकती क्या? किसकी बात कर रहे हो इसमें? हाँ नहीं 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 इसमें जो पॉजिटिव नहीं नहीं उल्टा बोलो, अगर इपॉक्साइड रिंग दिया होता तो शायद अगर उस पॉजिटिव चार्ज पे तुम्हारा ठीक से माइक काम नहीं कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उल्टा सोचो, अगर इपॉक्साइड दिया होता तो शायद इधर पहुंच जाते। तो वो वही जैसा मैंने आपको बताया, पूरा प्रोसीजर यही अडॉप्ट करना है आपको। ठीक है, इसमें सोचो, आप इस बात को ध्यान रखिए बेटा, जब दो ओएच इस तरह से दिए होते हैं तो बहुत चांसेस है कि वहां पर आपका इस तरह का रीअरेंजमेंट हो।
यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। चलो डिस्कशन कर लें। देखो इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है ये है कि यहां पर जब आप कार्बोकेटायन बनाओगे रीअरेंजमेंट तो कराना ही है आपको, तो उस रीअरेंजमेंट कराने में यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी ऐसा, रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये OH यहाँ पर रहेगा प्लस यहाँ आ जाएगा, ये ऐसा ही चलेगा और यहाँ वाला जो है बॉन्ड फिर यहाँ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे, C डबल बॉन्ड। कॉपी कर लो बड़ा इसको, Somebody is asking, 5-member ring is less stable. Yes, बेटा। अभी जैसे 7-member ring किया था हमने expansion और यहाँ पर contraction हो गया, तो ये contraction या expansion हो पा रहा है 6-member का भी, तो reason उसका क्या है, back bonding resonance।
चलो एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। डिफरेंट कर देते हैं, बार बार आप एक जैसा अटेम्प्ट कर रहे हो, थोड़ा अलग। गेट द आंसर।
हो गया। डन सर। ओ चल देखो, ये अगर हिस्सा देखोगे ना तो ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा था, केवल उसमें मेरे ख्याल से 5 मेंबर रिंग था या 6 मेंबर रिंग था शायद। अभी इसमें जो है, सबसे पहले तो प्रोटोनेट कराओगे, फिर उसके बाद इसमें भी रिंग एक्सपेंशन होगा, राइट? ऐसा तो एंड में यहाँ पर सी डबल बॉन्डो बन जाएगा, सॉरी हाँ, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा ऐसा, और ये ग्रुप यहाँ पर आया तो मुझे इसको बनाना है, तो यहाँ पर OH लगा देंगे, ये इधर आया ग्रुप यहाँ के बदले यहाँ पर लगाऊंगा और यहाँ पर प्लस, तो इसको डिजाइन वाइज अगर बनाएंगे तो एक 5 मेंबर रिंग जिसमें सी डबल बॉन्ड हो और फिर यहाँ पर 4 मेंबर रिंग, ऐसा ये आपका मिल गया ए। फिर इसका रिडक्शन कराएंगे तो बी आएगा, और बी क्या होगा बेटा, केवल आप वहां पर सी एच ओ एच बना देंगे, फिर इसमें एच प्लस हीट कर दिया तो ये तो डिहाइड्रेशन है सिंपली, और डिहाइड्रेशन वाया कार्बोकेटायन होता है, तो फिर से आप कार्बोकेटायन के बारे में सोचेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, रिंग एक्सपेंशन फिर से, यानी कि 6 मेंबर हो जाएगा अभी, सॉरी 5 मेंबर हो जाएगा दोनों, ये 5 था वो भी 5 है, प्लस यहाँ आ जाएगा और फिर बीच में डबल बॉन्ड, सबसे ज्यादा स्टेबल है, डबल यहाँ भी बन सकता है राइट, डबल इधर भी बन सकता है, आइडेंटिकल है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फाइनल आंसर चेक करो क्या आप में से कई लोगों ने ये लिखा कि नहीं, डन बेटा।
अभी तक जितना भी हम लोगों ने इसमें किया फिनोकॉल रीअरेंजमेंट में, सब में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब उसी फिनोकॉल रीअरेंजमेंट में ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन याद रखना, ओरिएंटेशन डोमिनेट करता है बेटा, ठीक है। अब एग्जांपल इसका देखो, ये मान लीजिए मैंने पिक किया, और इसको हमने H प्लस के साथ ट्रीट कराया H2O। तो होता क्या है कि अपने को तो मालूम है कि पहले प्रोटोनेट करते हैं, है ना, तो चलो प्रोटोनेट कर देते हैं एक OH को। मान लीजिए कि आपने इस OH को प्रोटोनेट किया, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ज्यादा पढ़ लिख कर नहीं गया है तो वो बच्चा क्या करेगा, उसके लिए तो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ H2O हटेगा, कार्बोकेटायन आएगा, और कार्बोकेटायन उसको वापस यहाँ लेकर आना है इस C पे, राइट, क्योंकि वो O के साथ बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस पे है, तो वो क्या करेगा, एक मिथाइल ग्रुप उठाएगा और यहाँ माइग्रेट करा देगा, ठीक। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये कि थ्री डायमेंशनल फिगर है। अब इसमें क्या होता है कि ग्रुप वही माइग्रेट करता है जिसका ओरिएंटेशन प्रॉपर, ओरिएंटेशन का मतलब है कि ग्रुप अगर यहां से निकल रहा है, ग्रुप अगर यहां से निकल रहा है तो इसके एंटी पोजिशन वाला ग्रुप ही माइग्रेट करके आ सकता है बेटा, और वो यहां पर बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर ऐसा वाला, ये मिथाइल जो है इसके एंटी पे नहीं है, इसी को कहते हैं ओरिएंटेशन। तो जो माइग्रेशन के लिए है उसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डोमिनेट कर रहा था अभी तक, लेकिन अब कौन सा फैक्टर पिक्चर में आएगा अगर आपको इस तरह से थ्री डायमेंशनल फिगर दिया हुआ है, ओरिएंटेशन, ठीक। अगर ओरिएंटेशन मतलब पॉसिबल है किसी और का तो माइग्रेशन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेसिस पे चले जाएंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं, तो यहाँ पर आपका ये ग्रुप ही माइग्रेट कराएंगे, और ऐसा हुआ तो ध्यान से देखो रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, देखो ऐसा डिजाइन चेंज नहीं करते हैं, ये यहाँ पर था, अब ये यहां लगने के बजाय इसको हम लोग किसके साथ कनेक्ट करेंगे बेटा, इस कार्बन के साथ, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये मिथाइल अपनी जगह पर है, ये हट गया था, यहाँ एक ग्रुप है जिसपे OH लगा है, CH3 है, और इसी पे प्लस आएगा, फिर ऐसा हुआ तो ये 5 मेंबर रिंग, ऊपर आपका CH3, और CH3 जिस कार्बन के साथ है वहीं पर C डबल बॉन्ड हो CH3। अगर आपने नीचे वाले का OH को प्रोटोनेट किया होता तो ये जो है इसके एंटी ये ग्रुप है, ये ग्रुप माइग्रेट करता तो भी आपको यही आंसर आता है। तो ये एक स्पेशल सा केस है फिनोकॉल रीअरेंजमेंट का, इसको भी लिख लो बेटा।
पॉपिट बेटा हटा दें इसको। हाँ सर, डन। नाउ सी, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें से ट्रांस कौन सी आइसोमेरिज्म है, ये क्या कौन सा आइसोमर है, तो ये अपर लोअर के हिसाब से लोअर साइड में है, ये अपर लोअर के हिसाब से ये है अपर साइड, और अपर लोअर को हम यहाँ पर बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये इस समय आपको ट्रांसफॉर्म पे दिया हुआ है, लेकिन अगर इसका ट्रांसफॉर्म मैं जो इसका दूसरा फॉर्म है वो अगर ड्रॉ कर दूंगा तो कुछ ऐसा बना सकूं, इक्विटोरियल वाले ग्रुप जो है वो एक्सियल हो जाते हैं क्लिप होने पर, और एक्सियल ग्रुप इक्विटोरियल। अगर इस टाइम पर आपको ये फॉर्म दिया होता तो यहाँ रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको प्रोटोनेट किया तो क्या इसके एंटी पोजीशन पे कोई ग्रुप ऐसा अवेलेबल है जो माइग्रेट कर जाए? नहीं। अरे इसके एंटी पे खुद OH है, कोई ग्रुप ही नहीं है जो एंटी पोजीशन पे माइग्रेट करने के लिए, तो यहाँ पर नो रिएक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा केयरफुल रहना। तो इसका मतलब है ये इस फॉर्म में जब क्लिप होगा तब जाकर के प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक। अब इसी का आप सिस फॉर्म देख लो, एक बार जरा ट्राई करो बेटा, 1-2 मिनट ले लो आप। देखो सोचो, दोबारा
देखो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, क्योंकि दो ओएच अब आइडेंटिकल नहीं, स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल है लेकिन ओरिएंटेशन वाइज देखोगे तो नहीं आइडेंटिकल। मान लीजिए कि मैंने इस वाले ओएच को टिक किया तो क्या होगा, उस वाले ओएच को आपने प्रोटोनेट तो अब उस ओ जो ओएच के एंटी पोजीशन पे कौन लगा हुआ था, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड हमने माइग्रेट करा है। सेम प्रोसीजर, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे प्रीवियस केस में जो आंसर आया था एग्जैक्टली वही आंसर आप यहाँ, यहाँ पर CH3 है और उसी कार्बन से आपको C डबल बॉन्ड दो CH3 ये मिलेगा, ठीक है ये मिलेगा। लेकिन अगर इस वाले OH को आपने प्रोटोनेट कराया होता तो आप देखो इस वाले के रिस्पेक्ट में यहाँ CH3 एक अवेलेबल देख पा रहे, तो इस बार CH3 माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पर 1, 2 मिथाइल शिफ्ट होगा और मिथाइल शिफ्ट होगा प्लस वहां जाएगा तो ये 6 मेंबर रिंग 6 मेंबर ही रहेगा और इस तरह से यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो आएगा। देखो कोई कंफ्यूजन है क्या बड़ा, तो यहाँ पर दो दो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, प्रीवियस केस में एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। डन, शुड आई रिमूव दिस, डन सर। ओके गाइस नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड लिखिएगा, वो भी इसी स्टाइल में है, पिनाकोलिक डीएमाइनेशन। पिनाकोलिक डीएमाइनेशन इसमें क्या होता है कि जैसे वहां प्रीवियस केस में हमारे पास बड़ा दो ओएच थे, है ना, यहाँ पर एक NH2 होता है और यहाँ रिएक्शन जो कराई जाती है वो HNO2 के साथ,
HNO2 याद करो, हम लोगों ने HNO2 के बदले क्या लिखा हुआ था, NaNO2 प्लस HCl या फिर NaNO2 प्लस H2SO4। अब क्या होगा इसमें, खास बात इसकी क्या रहती है कि इस बार जो है HNO2 कुछ भी हो जाए इस NH2 को ही बाहर निकालेगा, ये ध्यान रखना। कुछ भी हो जाए ये जो HNO2 है वो NH2 को ही बाहर निकालेगा, क्या बनाकर निकालता है, N2 प्लस। तो अगर आप रिकॉल करो तो हम लोगों ने एलिफैटिक वाले के लिए क्या लिखा था, R N2 प्लस, जो बाद में हट जाता है और कार्बोकैटायन हम मानकर चलते हैं, ठीक है। तो आधे हिस्से तक आप ध्यान से देखोगे तो हम पहुंच जाएंगे, मतलब ये आपका इधर से कुछ भी हो जाए, इस बार आप ये नहीं सोचोगे कार्बोकैटायन किधर ज्यादा स्टेबल होगा किधर कम होगा, ये तो फिक्स है इस बार NH2 ही निकलेगा। उसके बाद केवल माइग्रेशन आपको कराना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर बस मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, राइट। ऐसा, और इसके बाद फाइनल आंसर, ठीक है, कॉपी कर लो या इससे पहले एक नोट पे करो डाल, है ना, फिर कॉपी करो। लिखिएगा, बीटा एमाइनो अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विथ HNO2, व्हेन ट्रीटेड विथ HNO2 इट कॉजेस सिमिलर रीअरेंजमेंट, इट कॉजेस सिमिलर रीअरेंजमेंट एज पिनाकॉल, सिमिलर रीअरेंजमेंट एज पिनाकॉल रीअरेंज, ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी पिनाकॉल रीअरेंजमेंट। और क्या बोलाते हैं इसको बड़ा, सेमी पिनाकॉल रीअरेंज। अब आप कॉपी कर लो, डन। डन सर।
गाइस अब आप एक क्वेश्चन देखो, एक लिखने का स्टाइल स्ट्रक्चरली है, जैसे पीएच लिखा हुआ है, टीएन लिखा हुआ है, यहाँ पर ओएच है, यहाँ पर टीएन लिख देते हैं, पीएच लिख देते हैं, यहाँ पर ओएच, और इधर सीएच, सीएच3, एनएच2, यहाँ पर हमने एचएनओ2 डाल दिया या फिर NaNO2+HCl। दूसरा यहाँ पर दिया हो सकता है आपको इस स्टाइल में, यहाँ पर NH2, NH2 यहाँ पर CH3H यहाँ पर लगा देते हैं, और फिर यहाँ लिख देते हैं OH, यहाँ पर AN, यहाँ पर PH। अब एक चीज आप पहले समझ गए, AN क्या है? AN बेटा एनिसोल था ना, CH3O जिसमें लगा रहता है फिनाइल रिंग के, ये पैरा मिथॉक्सी फिनाइल रिंग, पैरा मिथॉक्सी फिनाइल रिंग, इसको कहते हैं AN ग्रुप। और पीएच क्या होता है? सिंपली फिनाइल, इसको पीएच लिखते हैं, राइट। किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटर होगा, क्या लगता है? किसका एएन माइग्रेटरी, वाले का। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटा इसका ज्यादा अच्छा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर लिखा था, जिसमें लिखा था अगर फिनाइल ग्रुप हो और उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आया रेजोनेंस दिख रहा है अपने को, तो वो ज्यादा अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रखेगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर नॉर्मल वाला। तो ये नॉर्मल दिया है और इसमें रिलीजिंग ग्रुप लगा है, यानी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका अच्छा निकला? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा निकला एएन का। ये मुझे क्यों जानना जरूरी है बेटा, अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन, कि ये तो क्लियर है कि NH2 ही हटेगा, एएन CPHOH CH N2+ CH3, फिर ये हटा, एएन CPHOH CH+ CH3। नाउ व्हिच ग्रुप विल माइग्रेट विल डिपेंड अपॉन व्हाट? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। और किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा है? एन का। तो यहां लिखेंगे 1,2 एन श्योर, तो अपना क्या हो जाएगा आंसर? पीएच, यहां पर सी पे प्लस आ जाएगा, फिर वहीं पर कीटोन बन जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब इसको देखो, बिलीव मी स्ट्रक्चरली दोनों सेम है, ध्यान से देखो, CH3CHNH2, CH3CHNH2, फिर नेक्स्ट कार्बन, पीछे वाला कार्बन, ये वाला सी के साथ एन और पीएच कनेक्टेड है और एक ओएच कनेक्टेड है, एग्जैक्टली सेम है दोनों, लेकिन एक डिफरेंस है, ये टू डायमेंशनली दिया हुआ है इसमें, ये तो ऐसी नॉर्मल बॉन्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये थ्री डायमेंशनल फिगर दिया हुआ है, क्योंकि आपको इसमें उसने न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाकर दिया है, न्यूमैन दिया हो या फिर सॉहर्स प्रोजेक्शन दिया हो, ये सब अपने 3D वाले स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसमें क्लियर है कौन किसके एंटी पोजीशन पे है। तो आप ध्यान से देखो, इवन दो एन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा अच्छा है पीएच के कंपैरिजन में, लेकिन कौन है जो इस NH2 के एंटी पोजीशन पे है? पीएच, यानी इस बार माइग्रेशन किसका होगा? फिनाइल ग्रुप का। और रीजन क्या है उसका? ओरिएंटेशन, विच ग्रुप इज माइग्रेटेड? द वन विच इज ओरिएंटेड एंटी, एंटी टू व्हाट? N2+। जब ये N2+ बन के निकलेगा, ऐसा आप बनाओगे, N2+ बनाओगे, तो जो ग्रुप एंटी पोजीशन पे आएगा वही माइग्रेट करेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि एन माइग्रेट नहीं कर सकता, वो भी करेगा और वो माइनर हो जाएगा, वो शिफ्ट करेगा और फिर फ्रंट साइड से आएगा, बैक, दोनों साइड से होता है फ्रंट बैक, लेकिन बैक साइड वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसका जो आंसर निकलेगा इस, जब पीएच माइग्रेट करके यहाँ चला जाएगा, ये N2+ हट जाएगा, तो पीएच इसके साथ अटैच होगा, यानी CH3 CH3
CH, PH, इस तरह से आएगा और उधर बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ AF। ठीक, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और इसमें आपका ये मेजर प्रोडक्ट है। इसमें रीजन ओरिएंटेशन है, इसमें ओरिएंटेशन मेंशन नहीं था इसलिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इसको अच्छे से कॉपी करिए बेटा। गाइज, जो मैंने सामने लिखा है उसी का एक लेवल अप क्वेश्चन देखे। इसमें कैसा दिया हो सकता है कि रादर देन गिविंग यू सॉर्ट्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन, जिसमें आपको 3D एग्जैक्टली पता चलता है, आपको वो दे देगा इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन। अब आप इसमें सोचोगे कि कैसे आंसर निकाल। ये तो अपने को पता है बेटा कि NH2 ही निकलेगा और फिर कार्बोकैटायन आएगा और फिर ग्रुप माइग्रेट करेगा। अब ये बॉन्ड स्ट्रक्चर ही है, फिशर प्रोजेक्शन है, तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, उसी को तो कन्वर्ट किया गया टू डायमेंशनल फिशर प्रोजेक्शन में। सो समहाउ अगर आप पहले इसको कन्वर्ट कर पाए किसमें, न्यूमैन में, तो आपको पता चल जाएगा कि एंटी पोजिशन पे क्या आएगा। तो न्यूमैन पे कन्वर्ट करने से पहले आप इसको जो है वो सॉर्ट्स में लेकर जाते हैं। ठीक है, सॉर्ट्स में लेकर जाएंगे तो ऐसा आप बना सकते हो, क्योंकि सॉर्ट्स में वो एक्लिप्स पोजीशन ही मिलेगी आपको ऐसी। ये NH2 यहाँ है, H यहाँ पर है, OH यहाँ पर है, AN यहाँ पर है। ठीक, लेकिन ये फॉर्म तो स्टेबल नहीं होती है। स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, क्योंकि ये तो एक्लिप्स रुके स्टैगर्ड वे में जाएगा तो स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसकी कई सारे स्टैगर्ड पोजिशंस पॉसिबल है, तो आप याद करो एंटी फॉर्म, गॉश फॉर्म है ना, इस तरह से कई सारी फॉर्म्स बनाते थे। तो जो सबसे स्टेबल वाली फॉर्म है वो इसमें इस तरह से निकल कर आए।
रीजन इज इसमें जो OH है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है NH2 के साथ, तो ये इस समय जो आपको दिख रहा है ना ये मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मर है जो गिवन फिशर प्रोजेक्शन है उसके लिए। और इसका मतलब है कि अब इसका आपको मेन ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, इसमें HNO2 दिया और थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही वाला दिया था, ध्यान से देखो। तो मैंने आपको ये पार्ट से शुरू किया था, बट ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो यहाँ से शुरू करेगा, पहले आपको इसमें लाना होगा फिर कन्वर्जन होगा। और इसके कन्वर्जन में भी आपको मेजर प्रोडक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना, इसका मेजर प्रोडक्ट आपको मैंने लिखकर ये दिया हुआ है ना। सो इतना पहले आप लिख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। कई सारे बन सकते हैं बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शंस, लेकिन आपको कौन सा लेना है उनमें से पिक करना है मोस्ट स्टेबल और उससे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। लेस स्टेबल वाले भी प्रोडक्ट देंगे वो माइनर प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर AN भी माइग्रेट कर सकता है, लेकिन जिसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बदले ओरिएंटेशन, जिसका ओरिएंटेशन अच्छा होगा एंटी पोजिशन वही आपका माइग्रेट करेगा। डन बेटा, कॉपी हटा दें इसको अभी। डन सर। इसमें एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लो।
नाम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कॉन्सेप्चुअली आपको मालूम है कि यहाँ पर डीअमाइनेशन होगा। चलो देखो इसका डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा केस है। अब इसमें खास बात ये है कि NH2 ही हटने वाला है ना? तो पर्याप्त आप में से सबने ये सोच लिया होगा। अब ये तो केवल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ ओरिएंटेशन जैसी कोई बात ही नहीं है। ये हटा देंगे, कार्बोकैटायन बनाएंगे, और कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या होगा, अपना रिंग एक्सपैंड करेगा। रिंग एक्सपैंड करेगा तो क्या करेंगे, कितने कितने मेंबर की रिंग दिखा देंगे हम लोग, 7 मेंबर रिंग एक्सपैंड कराएंगे, और 7 मेंबर की रिंग। अब आप बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि 7 मेंबर रिंग भी बन पा रहा है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। 6 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन हो गया 7 मेंबर रिंग पे, ये किसकी वजह से हो पा रहा है, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस की वजह से। इसको कॉपी कर लो।
Done? Done, sir. Oh. Sure. ये सब भी फिनिश हो गया. कई सारी चीजें हमने कर ली इसमें. अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं. दो रिएजेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा सिलेबस में. एक लिखते हैं डाइबैलेज. ये सब हम यूज करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की होल्स के उसमें. अभी तो हम लोग एल्डिहाइड्स बनाने वाले हैं. डाइबैल एच बोलते हैं. और एक दूसरा है वो है लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी ये हाइड्राइड. नाम मैं पूरा लिख देता हूं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. स्ट्रक्चर भी यू कैन ड्रॉ एल बिकॉज ब्यूटाइल है. ब्यूटाइल ऐसा बनाया जाता है. ठीक है. इधर भी आप लिख सकते हैं सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री. डाई आइसोब्यूटाइल हो गया एल्यूमिनियम हो गया और साथ में आपको बस क्या लगा देना है बेटा एच. ये स्ट्रक्चर इसका हो गया. इधर वाले में तो आप ऐसे देख सकते हैं एल आई प्लस है एल पे माइनस होगा. चार बॉन्ड्स इसके साफ साफ दिखाई दे रहे हैं. और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है उसका मतलब होता है ओ की कनेक्टिविटी है ऐसा. इधर भी सेम मैनर में इधर भी सेम मैनर में. ठीक है. ये तो नाम क्या है इसका लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड. These are two very very special reducing agent. क्या खास बात है इनकी. होता क्या है कि जब हम लोग जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड पिक करते हैं we want to reduce कार्बोक्सिलिक एसिड तो जो अवेलेबल रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने लिया तो वो कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव है और वो किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा इसको RCH2OH में एल्कोहल बना देता है. अगर तुमने सोचा थोड़ा कम वाला ले ले NaPH4 वाला ले ले तो वो रिएक्शन ही नहीं करता. राइट. रिएक्शन हुआ तो एल्कोहल मिल गया नहीं हुआ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है. हमें क्या करना है वी वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड स्टेज बट यहाँ नहीं हो पा रहा है. ये जो दो रिएजेंट है ना ये यही काम करते हैं. ये रिएक्शन को स्टॉप करेंगे लेकिन ये स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं. कुछ स्पेशल यो एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ रिएक्शन करते हैं. तो शुरुआत में यहां से करूंगा डाइबैलेज से. इसके लिए नोट लिखना है. ठीक है. आप मुझे बताओ मैं आपको नोट बोलता हूं.
लिखिएगा बड़ा नोट, डाइबैलेज के लिए एस्टर्स एंड नाइट्राइल्स, एस्टर्स एंड नाइट्राइल्स, एस्टर्स एंड नाइट्राइल्स। सर सर आप ये सारे स्लाइड्स भेज सकते क्या? कौन सी स्लाइड? ये जो अभी 15 के 15 स्लाइड्स हैं, तो आप इसके पीडीएफ का क्यूआर कोड स्कैन कर सकते क्या? क्योंकि मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो बीच में एक दो स्लाइड मिस हो गए। आपको बड़ा स्कैन करना पड़ेगा, मैं शेयर कर देता हूँ आपके लिए। हाँ सर, हो गया। यस सर, थैंक यू। चलो अब इसमें मैंने अभी आपको क्या बोला, एस्टर्स एंड नाइट्राइल्स, एस्टर्स के लिए फॉर्मूला लिख दो, नाइट्राइल इन जनरल आर सी है, एस्टर्स एंड नाइट्राइल्स। नोट किसके लिए बोल रहा हूँ बेटा? डाइबेलेज के लिए। एस्टर्स एंड नाइट्राइल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड, एस्टर्स एंड नाइट्राइल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ डाइबेलेज, बाय द यूज ऑफ डाइबेलेज। ओवर रिडक्शन टू एल्कोहल मस्ट बी अवॉइडेड, ओवर रिडक्शन टू एल्कोहल मस्ट बी अवॉइडेड बाय यूजिंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ डाइबेलेज, ओवर रिडक्शन टू एल्कोहल मस्ट बी अवॉइडेड बाय यूजिंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ रिएजेंट, टेम्परेचर शुड बी केप्ट लो। ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, डाइबेलेज लिया। एक्चुअली होता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बट ऐसा कभी देते नहीं है वो, तो हम मानकर चलते हैं कि बस यहीं से हमको लिख देना है जो अपने को पता है, इससे मतलब नहीं है, मेन ये है। हाँ, फिर इसी तरह से यहाँ पर डाइबेलेज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव यू आरसी, इसको नोट कर लो बेटा। दोनों में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है यहां, अब इसकी मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म पूछते नहीं बता, है ना, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, मैं आपको बता जरूर दे रहा हूं, पर इसको लेके आप परेशान मत। आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और एच, तो होता क्या है कि सबसे पहले की जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये एल्यूमिनियम के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है, तो ये कुछ आप ऐसा बना सकते हो। अब इससे होता क्या है कि जो शिफ्टिंग है ना,
इस कार्बन की, या आप इसको बोलो कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ने लगती है, बिकॉज ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अब खींचता है बॉन्ड पे है। तो होता क्या है, तो उस टाइम पे हाइड्राइड ट्रांसफर ऐसे होता है, राइट। तो आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, IBU और इसको वोल्ट वाइज लिख दो और यहाँ पर H लगा दो और ये OR डैश। फिर उसके बाद रिकॉल को जिस ANDN में होता था, ये यहाँ पर आएगा और ये लीविंग ग्रुप लीव करेगा, तो ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड O प्लस AlIBU, IBU केवल लिखना है, आइसोब्यूटाइल है ये, H ऐसा हुआ प्लस R-O-। फिर बस इसका आप क्या करा दो हाइड्रोलिसिस, तो एक हिस्सा हो जाएगा RCH2 और दूसरा एक तो आपको ये मिल जाता और साथ में AlOH2। ठीक, आई रिपीट, मैकेनिज्म को लेके इतना परेशान नहीं होना है, कभी वो मैकेनिज्म से रिलेटेड चीजें नहीं पूछते हैं यहाँ पर। यहीं पर RCN का मैकेनिज्म दिखाओगे तो नाइट्रोजन है वो एल्यूमिनियम से पहले इंटरेक्ट करेगा, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड इनका एक पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, फिर हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर एक नोट लिख लीजिएगा बेटा इसको फिनिश करके, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी रिमेन अनअफेक्टेड, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी रिमेन अनअफेक्टेड। हो गया, चलो अब नेक्स्ट लिखिएगा, डाइबाइलेज के अलावा यहाँ पर दूसरा मैंने क्या दिया था बेटा आपको, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Li प्लस था, AlH है और यहाँ पर OBUT 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 और यहाँ माइनस, ये तो ये जो हाइड्राइड है इसी का ट्रांसफर यहाँ पर होगा। इसके लिए नोट लिखिएगा बेटा, नोट में लिखिएगा एसाइल हैलाइड, इसके लिए यूज करते हैं बेटा एसाइल हैलाइड के लिए, ACYL, एसाइल हैलाइड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड, एसाइल हैलाइड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय द ट्रीटमेंट बाय ट्रीटमेंट विद
लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड भाई जो सामने बना उसको लिखो, इन डाइग्लाइन, डाइग्लाइन सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है उससे, डाइग्लाइन का स्ट्रक्चर ही होता है। CH2 CH2, इधर भी CH2 CH2, आई रिपीट, एसाइल हैलाइड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय ट्रीटमेंट विद लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड इन डाइग्लाइन एट -78 डिग्री सेल्सियस, एट -78 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल देख लो, RCOCl ये दिया हुआ है, लिथियम AlHOBUT ऐसे करके लिखा होगा, फॉलोड बाय हाइड्रोजन से सब में होता है, यहां पर भी H2O आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये बनता है RCHO, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, पूरा कर देखेंगे तो LiCl बनता है, AlOH थाइस बनता है, और इस तरह का एक एल्कोहल मिल जाता है, ये मेन प्रोडक्ट है अपना। सर उस सॉल्वेंट का नाम क्या बोला आपने? डाइग्लाइन बेटा, DIGLYNE, हो गया बेटा। यस सर। इस पे भी मैकेनिज्म का कुछ आता नहीं है, बट अगर आप सोचना चाहो तो बिल्कुल वैसा ही है, RCOCl दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक, और लिथियम प्लस है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, मेन आपका हाइड्राइड ट्रांसफर होना है, OBUT करके ऐसे लिख दिया, मेन इंटरैक्शन है कि किस किसका होना है बेटा, कार्बन एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा है ना, Cl लीव करेगा, ठीक, इस तरह से इंटरैक्शन चलता है, और Cl तो LiCl आपको यहाँ, जैसे Cl लीव करेगा LiCl मिल जाएगा, ठीक, H यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक, RCOCl का, तो उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस होगा तो इसमें इस हिस्से से आपको एल्कोहल वो दिख रहा है, AlOH थाइस है, वो क्लियरली समझ में आ रहा है, ऐसा तो कुछ मैकेनिज्म पूछता नहीं, बट फिर भी आप अपने हिसाब से इसको लिख लो।
सो दिस इज ऑल अबाउट डाइबैलेज एंड लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड. दीज आर द टू वेरी स्पेशल रिएजेंट्स व्हिच कन्वर्ट एसिड डेरिवेटिव्स इनटू एल्डिहाइड. ठीक है, एक तो ये हो गया. अब नेक्स्ट लिखिएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोजेनमुंड रिडक्शन. रोजेनमुंड रिडक्शन एक नोट लिखिएगा इसमें. ये सब प्रिपरेशन है. एसाइल हैलाइड्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस टू एल्डिहाइड. एसाइल हैलाइड्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस टू एल्डिहाइड बाय हाइड्रोजिनोलिसिस. हाइड्रोजिनेशन को ही हाइड्रोजिनोलिसिस कह रहे हैं. हाइड्रोजिनोलिसिस यूजिंग लिंडलार कैटलिस्ट. याद है आपको लिंडलार कैटलिस्ट? यस सर. RCOCl ले रहे हैं, वो कहता है H2 ले लो. यहां पर आपका लिंडलार कैटलिस्ट. ठीक है, कई बार बॉइलिंग ज़ाइलीन करके भी लिखा हो सकता है. और आपका जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज RCHO, दैट्स इट. इसको भी नोट कर लो बेटा. लिंडलार कैटलिस्ट इज पलेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पॉइजन विद सल्फर और क्यूनोलिन. टिन हाइड्राइड भी कई बार यूज करते हैं बेटा, ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, सेम काम के लिए, बट वो सब आता नहीं. लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड वाला जो केस था ना, उसमें इंपॉर्टेंट चीज वहां पर ये थी बेटा कि जो आर है ना वो एल्काइल और एराइल दोनों हो सकते थे, जिसमें NO2, CN इस टाइप के ग्रुप्स भी लगे हो सकते हैं, उनका रिडक्शन नहीं होता है. चलो नेक्स्ट लिखिए अब इसमें स्टीफन रिडक्शन. ये सब इंपॉर्टेंट है. स्टीफन रिडक्शन एक्चुअली कन्वर्जन है नाइट्राइल का CHO में एल्डिहाइड. ठीक है, HCl SnCl2 लेते हैं हम लोग. ठीक है, ये इसमें एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा. दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स the addition of nitrile to a suspension. Nitrile to a suspension of anhydrous SnCl2 in diethyl ether saturated with HCl. The resulting crystalline complex is collected and hydrolyzed.
इसमें एक्चुअली पहले इसके साथ ट्रीटमेंट होता है, फिर इसमें दूसरा स्टेप होता है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोलाइज बाय बॉइलिंग वाटर टू गिव एल्डिहाइड, बॉइलिंग वाटर टू गिव एल्डिहाइड। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्टली केवल रिएक्शन भी याद रखेंगे तो भी इनफ होगा, और इसमें आप ये लिख सकते हैं RCN HCl के साथ, ये आपको देता है ऐसा। फिर इसके बाद RCCl डबल बॉन्ड NH, इसको नोट कर लो बड़ा, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं सब। और स्टीफन रिडक्शन जो है ना, वो एरोमेटिक जो नाइट्राइल्स होते हैं स्पेशली उनके लिए ज्यादा यूज किया जाता है। हो गया बेटा, नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें एक छोटा सा नोट लिखिएगा, यह नोट क्या आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि आपने ये लिया आर सी डब्ल्यू, मैं भी नोट भी लिखा दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की वैलेंसी जो है वो एक ही है। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा,
तो अगर यहाँ पर देखोगे एक एच प्लस हटाओगे तो एक भी माइनस आएगा ना, कैल्शियम दो इस तरह से होल्ड कर सकता है आरसीओ। तो ये आपका कैल्शियम सॉल्ट हो गया कार्बोनिक एसिड का। पाइरोलिसिस का मतलब हीटिंग है। आप ये याद रखो आपको केवल CaCO3 निकालना है, दिमाग में क्या रखोगे बेटा CaCO3 बाहर करना है, तो जो बच गया उसको कनेक्ट कर दो। क्या मिल गया आपको? कीटोन मिल गया। अगर मैंने क्या लिया होता है यहां पर, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है स्पेशली हमने फॉर्मिक एसिड लिया होता, अगर हमने इसमें क्या चूज किया होता, फॉर्मिक एसिड चूज किया होता, आप उसमें से सोचो आपने CaCO3 अगर निकाल दिया, CaCO3 निकाल देंगे क्या बचेगा? ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। यानी अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो आपको फॉर्मिक एसिड का ही कैल्शियम सॉल्ट लेना पड़ेगा। और अगर मिक्सचर ले लिया, मिक्सचर का मतलब एक ये मॉलिक्यूल ले लिया, एक ये मॉलिक्यूल ले लिया, लाइक आर सीओ सीओ होल्ड बाय सी ए ये भी लिया हुआ है और एच सीओ होल्ड बाय सी ए ये भी लिया हुआ है, तो होगा क्या होगा, आधा हिस्सा उधर से और आधा हिस्सा इधर से। परसेंटेज ये थोड़ी कम हो जाएगी। अब इसमें आप देखो तीनों आपको चीजें मिल गई, फॉर्मल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एक नोट लिखो फिर आपको कॉपी करना। देखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, फॉर्मल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, फॉर्मल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कैल्शियम फॉर्मेट अदर एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय, अदर एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, अदर एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड, अ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट पार्ट, कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, द कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड by heating carboxylic acid calcium salt, a calcium salt of carboxylic acid other than formic acid, other than formic acid। copy कर लो बेटा।
डन सर। अब इसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन है, उसके लिए नोट लिखिएगा बेटा। लिखिएगा व्हेन वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर पास्ड ओवर, व्हेन वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड are passed over Magnus acid, Magnus oxide, MnO, Magnus oxide, MnO, at about 300 to 400 degrees Celsius, at about 300 to 400 degrees Celsius, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड। बिल्कुल उसी तरह सोचना है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड चूज किया बेटा अदर देन फॉर्मिक एसिड और इसको हीट किया तो आपको मिलेगा आर सी ओ आर, ठीक है। ये अगर तुमने फॉर्मिक एसिड चूज किया होता तो सेम मैनर में आपको जाना है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है प्रीवियस और इसमें। और अगर अदर एडिएट चाहिए तो क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का तो दूसरा अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। इनको भी कॉपी कर लो, ये सब डायरेक्टली तुम्हें मिलेंगे। यस बेटा, सर जो लास्ट रिएक्शन है उसमें हमें फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन के भी तो कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे ना, तो अपनी परसेंटेज ही काम होगा, परसेंटेज ही काम होगा। ओके सर, लेकिन अगर ऐसा दिया होगा तो वो ऑब्जेक्टिव उसका क्वेश्चन देने का है कि आपको आरसीएचओ बनाना है। Done, sir. Now next is by the reaction of acid chloride with R2CuLi. Can you recall Gilman reagent हम लोगों ने पढ़ा था? R2CuLi. Yes. In Courthouse synthesis. Yes. देखो जिन्हें याद नहीं है उनके लिए, अगर आपने आर डैश एक्स लिया और आर टू सी एल आई, इसी को गिलमैन रिएजेंट कहते हैं। अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाता है बेटा, आर आर डैश।
तो ये जो आर डैश है इसके बदले सोचो आपको आर सीओ लिखा हुआ मिल जाए, कोई चेंज थोड़ी ना आपको करना है, आपको तो ये बस आर डैश वहां अटैच कर देना है। तो अगर तुमने ये लिया और इसकी रिएक्शन कराते तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, आर सीओ आर डैश, ये क्या है कीटोन, आपको एक कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ये लिख लो, चलो नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखेगा बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड। मान लीजिए आपने RCOCl का या एसिड क्लोराइड हो गया, ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड मतलब ऐसा CD वाला, जैसे RMGX होता है ना उसी तरह से R2CD है, बट ये कम रिएक्टिव। अगर मान लीजिए RCOCl की रिएक्शन आपने करा दी इससे ऑर्गेनोकैडमियम, तो प्रोडक्ट जो होगा वो सिंपली RCOR- हो जाएगा, फर्दर रिएक्शन नहीं करता है, ये जो है इसकी रिएक्टिविटी कम है। ठीक है या दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो CDCl2 उधर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसमें लिखिए बेटा ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद ड्राई कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड। अगर तुमने यहाँ पर RMGX ले लिया, मान लिया R-MgCl लिखा आपने और ड्राई कैडमियम क्लोराइड बोला आपको, तो ये आप सीधे सीधे ऐसा दिखा सकते। ठीक है ये अब इसमें ये जो R- थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और ये एराइल हैलाइड लेते हैं मोस्टली, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एराइल हैलाइड है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसमें एक और पॉइंट लिखिएगा बड़ा reactivity of organocadmium compound is less than RMGX,
रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड इज लेस देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सो ऑर्गेनिक ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट। अभी देखो आपको दिखाया मैंने कि सामने जो एल्डिहाइड सर्किटोन बनता है उसके साथ फर्दर रिएक्शन नहीं करता। ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट विद मेनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट विद मेनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स विथ विच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट, विथ विच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट लाइक एनओ टू CN, like NO2, CN. ठीक है, CN, C double bond, ester, etc. मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन आपने करा दी R2CD से, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? NO2 अपनी जगह C डबल बॉन्ड ओ R, इसको लिख लो बेटा। बाकी फंक्शनल ग्रुप मैंने ऑलरेडी बता दिए कि उनके साथ रिएक्शन नहीं करता। ये हो गया बेटा, ये भी फिनिश हो गया। नाउ देर आर फ्यू रिएक्शंस विच वी हैव ऑलरेडी यू नो डिस्कस्ड इन अदर चैप्टर्स लाइक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, पक्का आपको याद होगा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन यानी वाटर एडिशन। तो आप अगर रिकॉल करें आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक, इसके रिएक्शन किसके साथ बेटा? HGSO4 plus H2SO4, याद है ना, वॉटर एडिशन बाय मार्कोनिकोव रूल। तो यहाँ OH लगाते हैं, डबल बॉन्ड CH2 हो गया, फिर टॉटोमेरिज्म दिखा दो या एक बार और वॉटर एडिशन दिखा दो, तो ये आपका इस तरह से कीटोन हो गया, राइट। अभी इसी का रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोपोलिशन ऑक्सीडेशन, है ना, तो फिर क्या बनता था? आर सी यहाँ H डबल बॉन्ड CHOH, और इससे फिर क्या मिल जाएगा? R CH2 CH, ठीक। तो इस तरह से एल्डिहाइड कीटोन्स पुराने मेथड से भी बना सकते हैं, तो भी लिख सकते हो। Done sir. अब इसी तरह से एक रिएक्शन है, जेमिनल डायहैलाइड का हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहैलाइड, जेमिनल डायहैलाइड क्या होता है बेटा? आर है, सी एच है, सी एल सी एल लिखा हुआ है, एक्वस की वो एक डाल दिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे? सेम कार्बन क्या नहीं कर सकता? दो OH होल्डिंग कर सकता हूँ, है ना, तो कब होल्ड कर सकता है वो लिखाऊंगा आपको बाद में, बट बाकी सब जगह आपको H2 हटा देना है। तो इस तरह से आपने
एल्डिहाइड बना दिया, आप कीटोन भी इसी में बना सकते हो। कोई दूसरा केस ले लो आप, आर टी सी एल सी एल आर डैश, यहाँ से शुरू करोगे तो आपको कीटोन इस तरह से मिल जाएगा। इसको नोट कर लो। Guys, you copy this and then next lecture we will start with preparation methods for aromatic aldehydes ketone. पहले वो करेंगे एंड फिर हम लोग प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे, ठीक है।